नमस्कार। शुक्रदेव अपनी राशि का परिवर्तन करके मकर राशि से शनि मतलब शुक्र के अधिमित्र की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में दिनांक 20 तारीख और 21 तारीख की रात्रि में 2:12 पे प्रवेश करेंगे। हालांकि सामान्य शब्दों में ये कहा जाए शनि अधिमित्र है शुक्र के, और कहीं ना कहीं शुक्र का राशि का परिवर्तन विभिन्न राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहलाएगा। उसका एक और कारण है, कुंभ राशि में सूर्य पहले से ही संचरण कर रहे हैं और शुक्र का राशि का परिवर्तन करके सूर्य के साथ युति करना अपने आप में अद्भुत योग कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कुछ राशियों के लिए खराब कहलाएगा और कुछ राशियों के लिए सुखमय कहलाएगा। हालांकि शुक्र अगर कहा जाए धन, वैभव, कला, प्रेम, वाहन, भोग विलास, विवाह, कई ऐसे कारक हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो शुक्र के पास मौजूद हैं। मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में जहां पर भी आपका चंद्रमा विराजमान है वो आपकी राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, किसी भी ग्रह का राशि का परिवर्तन तब ज्यादा फलित होता है, तब ज्यादा अच्छा या खराब कहलाता है जब उसकी दशा या अंतरदशा चल रही हो, या फिर कह लीजिए कि ग्रह उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी हो, तब उसका परिणाम सकारात्मक और काफी सकारात्मक मिलता है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है, देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से लाभ भाव मतलब एकादश भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। करीबियों से लाभ मिलेगा, मित्रों से जो तनाव चल रहा था वो कहीं ना कहीं इस पीरियड में तनाव आपका कम या खत्म होगा। विवाह से संबंधित बाधाएं, विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने के लिए ये समय अच्छा है। किसी भी प्रकार से बच्चे बच्चियां या आप खुद, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शुक्र से अगर देखा जाए इस समय पे मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ। कारण है, शुक्र की दो राशियां हैं, एक राशि बनेगी धन भाव जहां पर आपका धन जन्म कुंडली में स्टोर होता है, दूसरा भाव बनेगा छठा भाव जहां वाद विवाद इत्यादि चीजों को दिखाता है। तो ऐसे में कहा जाएगा किसी प्रकार का जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित वाद विवाद तनाव मुकदमेबाजी चल रही थी तो इसमें एक निर्णायक समय आपको मिलेगा, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस समय पे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहा जाएगा कि मंगल और राहु का आपस में युति करना और शुक्र से चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में मंगल और राहु का होना वही वाणी का विकार उत्पन्न करेगा, प्रेम संबंधों में खलल तनाव उत्पन्न करेगा। एक चीज और यहां समझ लीजिएगा, प्रेम संबंधों में खलल या तनाव तब ज्यादा उत्पन्न करेगा जब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसे समाज गलत कहता हो, चाहे वो विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना हो और जिसमें आपका परिवार या आपके परिवार को नहीं पता, विवाह से संबंधित मैं इशारा दे रहा हूं, ये समय अच्छा नहीं कहलाएगा उन चीजों के लिए। ये तीन चीजों के लिए तो कभी समय अच्छा नहीं होता है। विवाह करें तो माता पिता की रजामंदिश करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। बहरहाल पति पत्नी में तनाव इस समय पे सबसे बड़ी चीज है कि कम होता वो दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का पीछे कोई तनाव चल रहा था, किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, इस समय पे सलूशन मिलेगा या तनाव आपका कम या खत्म हो जाएगा। शेयर मार्केट के लिए, निवेश के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए, जो लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, और जो लोग व्यवसाय की सोच रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा।
शुक्र का राशि का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए धन इत्यादि चीजों में प्रबलता को दिखाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए, शुक्रदेव का राशि का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस राशि का परिवर्तन के क्या मायने निकलते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से दशम भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन होगा। दशम भाव क्या है? दशम भाव कर्म है। जो आप लोग काम करते हैं, जो आप लोग नौकरी करते हैं, जो आप लोग व्यवसाय करते हैं, सभी प्रकार के कर्म को ये दशम भाव दिखाता है। सूर्य के साथ बैठने का मतलब हो गया, सूर्य पिता है। ऐसे में कहा जाएगा पिता आपको निर्देशित करें, ये काम करो, तो उस पर गौर करिएगा। पिता के सुखों में कमी इस समय पे होगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज, अगर आप नौकरी पेशा हैं या आप व्यवसायी हैं, स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में कमी आएगी, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन के नए विकल्प बनेंगे, धन से संबंधित किसी प्रकार का कोई तनाव इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन का सुख मिलेगा, वाहन से संबंधित प्रयास कर रहे थे काफी समय से, वाहन खरीदने से संबंधित इस समय पे आप खरीद सकते हैं, किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए तनाव का समय ये रहेगा। जो लोग प्रेम में हैं, उनके लिए अगर कहा जाए समय सामान्य है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश से संबंधित नौकरी, विदेश से संबंधित व्यवसाय, इन चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जो आपका काम को आगे बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में ये भी मैं कह सकता हूँ कि किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं कर्म के लिए, काम के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, उन चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बिल्कुल ये समय बेहतर है, आप इस समय पे आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यवसाय पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, थोड़ा सचेत हो जाइए, धैर्य रख लीजिए, ये समय इसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। समान शब्दों में अगर कहा जाए, शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आया है वृषभ राशि वालों के लिए। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, यह राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में यह राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में कहा जाएगा यात्राएं बहुत करेंगे, कार्यों से संबंधित, घूमने टहलने से संबंधित दोनों तरीके की यात्रा दिखाई दे रही है। चाहे आप व्यवसायी हैं चाहे आप नौकरी हैं, तो कार्यों में से संबंधित कुछ यात्राएं करेंगे, घूमना टहलना इस समय पे आपका होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, धन के लिए कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए तो ये समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित प्रयासों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित प्रयास मतलब विवाह के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कुछ व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का निवेश करना है, कहीं आपको धन लगाना इत्यादि चीजें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जल्दबाजी में या किसी व्यक्ति के बहकावे में धन मत लगाइएगा। जब तक पूरी चीजें देख ना लें तब तक चीजों में आगे ना बढ़े तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, वाद विवाद झगड़े झंझट इनसे जो है मन खट्टा होगा, ये स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान के सुखों में वृद्धि होगी, और खासकर उन लोगों के लिए मैं कहूंगा जिनके संतान से संबंधित तनाव चल रहा है, संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए समय अच्छा है, उससे संबंधित चीजों में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। पिता के ऊपर क्रोध मत करिएगा, नियंत्रण करिएगा, नहीं तो ये कह सकता हूं मैं कहीं ना कहीं कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। आपकी राशि से अगर देखा जाए, नवे भाव में सूर्य के साथ शुक्र है, पिता का भाव है, वो कारक है सूर्य पिता के, अभी कुछ समय बाद शुक्र अस्त होंगे, उस समय में पिता को लेके तनाव उत्पन्न होगा। दूसरी चीज, जो लोग प्रेम में हैं, जो प्रेमी जुगल हैं, उनके लिए समय अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं आपको बातचीत करनी है विवाह से संबंधित, जल्दबाजी मत करिएगा, देख दाख के ही बातचीत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए घर से दूर जाके पढ़ाई करने के लिए,
विद्यार्थियों के लिए एडमिशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा शिक्षा से संबंधित। व्यवसायियों के लिए कहा जाए नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था जल्दबाजी में मत लगाइएगा, बाकी समय अच्छा है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम लेके आया है। किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा सरकारी नौकरी वालों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यात्राएं और कार्यों का बोझ इस महीने में बढ़ेगा, मतलब शुक्र के राशि के परिवर्तन में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन की क्या स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होंगी, हड्डी से संबंधित समस्याएं और आपको जो है किसी भी प्रकार का हार्मोनल दिक्कतें, गुर्दे से संबंधित समस्याएं अगर चल रही तो थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। शराब नशा से दूर रहने की कोशिश करिए इस समय पे। धन के लिए अगर कहा जाए धन की आवश सामान्य है, मित्रों के कारण नुकसान होगा, मित्रता में धन आपका इस समय पे फंसेगा। बड़े भाई बहनों को लेके तनाव इस समय पे होगा। जो आपका काम चल रहा है, जो आपका व्यवसाय कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की साझेदारी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के काम करिएगा। स्थान के परिवर्तन के संकेत अच्छे हैं, जगह पर के परिवर्तन के संकेत अच्छे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। धन का व्यय और खर्च कम होगा, धन आपके पास बचेगा, लेकिन धन आने में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन धन आता रहेगा। किसी भी प्रकार का निवेश करना चाह रहे हैं उसके लिए समय सामान्य है। निवेश करने के लिए हड़बड़ाहट मत करिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, दो चार लोगों से या घर परिवार से राय लेने के उपरांत कार्य करिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन की क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होगा, सूर्य के साथ गोचर होगा, वैवाहिक जीवन में तनाव देंगे ये। जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण थोड़ा सा तनाव इस समय पे बढ़ेगा। गुस्सा और वहम दो चीजें इस समय पे आपके ऊपर हावी होंगी, और खासकर जो जीवन साथी है बहुत ज्यादा सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए अपने आप को जो है देख दाख के चलिएगा, बहुत ज्यादा बहस मत करिएगा। अगर मैं कहूं व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है उसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में काम करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वाहन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है। चोट चपेट के संकेत इस समय पे मिल रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा इस राशि के परिवर्तन के अंतर्गत। धन के लिए संघर्ष, सामान्यता अगर कहूँ कहा जाए तो आपका जहाँ पर भी कार्य करते हैं, भले आप नौकरी पेशा हों चाहे व्यवसायी हों, वहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव का कारण कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा कि आपकी जल्दबाजी, आपकी हड़बड़ाहट और आपका जो है भरोसा। भरोसा करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी आँख और कान पे भरोसा करिए। कौन अच्छा है कौन खराब है इस राशि के परिवर्तन में आपको दिखेगा, आपको ये चीज दिखेंगी। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करते हैं, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। आपकी भावुकता, आपकी हड़बड़ाहट आपके लिए नुकसानदायक है। घर परिवार का उतना सहयोग इस समय पे नहीं मिलेगा। सोच समझ के बातचीत करिएगा, अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो। जिन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है या अलगाव के से संबंधित चीजों में चल रहा है उनके लिए समय अच्छा है। अलगाव की स्थितियां इस समय पे बनेंगी। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में रोग ऋण और शत्रु, छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा। उधार दिया है, उधार ले रखा है,
दोनों चीजों के लिए समय अच्छा है। उधार आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फंसा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उधार लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, साइड में कोई काम करना चाह रहे हैं अलग से, उसके लिए समय अच्छा है। नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा, और कहीं ना कहीं जो साइड में काम करते हैं उसके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। जिन महिलाओं के लिए या जिन बच्चियों को विवाह के उपरांत संतान से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, संतान से संबंधित इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है इलाज में जाने के लिए या संतान से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित बाधाएं, विवाह से संबंधित तनाव, विवाह से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा हो तो इस समय पे बातचीत कर लीजिएगा या उस दिशा में बढ़िएगा, ये समय आपके लिए अच्छा है। पिता या बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग हो या पिता हो, उनका सम्मान करिएगा, ये चीज विशेषकर मैं कहूंगा। बाकी सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन की क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान है। आपके जीवन में कार्यों में स्थिरता भी दिखाता है पंचम भाव, लक्ष्मी की स्थिरता भी दिखाता है कहीं ना कहीं द्वितीय भाव के साथ में पंचम भाव। ऐसे में कहा जाएगा कि पंचम भाव संतान के सुखों में वृद्धि, संतान से संबंधित तनाव में कमी, व्यवसायियों के लिए नए विकल्प खुलेंगे, सरकारी तंत्र में लाभ लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। सरकारी तंत्र मतलब हो गया जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग किसी प्रकार से सरकारी तंत्र में कोई उनका काम फंसा है या कहीं से कोई आवेदन करना चाह रहे हैं, कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे वो कोई नेता हो, तीनों चीजों के लिए मैं कहूंगा। पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होंगी, पेट से संबंधित। दूसरी चीज, जो लोग शराब मदिरा पान करते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, और जिन लोगों को किडनी या गुर्दे की समस्या है वो अपना विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेम का सुख इस समय पे मिलेगा प्रेमी जुगलों को, लेकिन तनाव भी इसमें दिखाई दे रहा है। सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। तनाव के साथ में सुख मिलेगा, लेकिन तनाव के साथ में सामान्य शब्दों में ही कहा जाए नौकरी पेशा या व्यवसायी अन्य क्षेत्र, शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आया है। किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुक्र का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इस समय पे आपको नौकरी मिल जाएगी, उस दिशा में लग जाइए, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का प्रबंध हो जाएगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा है, चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हैं चाहे वो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, इस समय पे आवेदन कर सकते हैं प्रमोशन के लिए, इस समय पे बातचीत कर सकते हैं। अगर हम बात करें व्यवसायियों के लिए, व्यवसायियों के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए सुगमता रहेगी, धन आपका आता रहेगा, लेकिन कुछ कामों में अड़चने इस समय पे आएंगी। धन आएगा मैं कहूंगा, लेकिन कामों में अवरोध भी उत्पन्न होगा। चले भले जो है आपने ऑर्डर दे दिया कि किसी चीज का ऑर्डर दिया, कुछ पैसे आपके कम पड़ गए, या आपने किसी ने आपको ऑर्डर दिया और उसने जो है थोड़ा सा माल आपसे कम लिया, ये धोखा लग सकता है। कहीं आपको धन उधार देना है तो सोच समझ के दीजिएगा, देख दाख के दीजिएगा, और खासकर व्यवसाय में धन उधार दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा। फिर से मैं कहूंगा, अगर कहीं आपने ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो एक सिरदर्दी आपकी बढ़ने वाली है, तनाव आपका बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं ये भी इंगित हो रहा है। व्यवसायिक यात्राएं या नौकरी से संबंधित यात्राएं
बड़ी सोच समझ के करिएगा, देख दाख के करिएगा, परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा इस समय पे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन और मूत्र जनित बीमारियाँ, ठीक है, यूरिन से संबंधित जो बीमारियाँ होती उसका विशेष ध्यान रखिएगा। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती, पथरी जिसे कहते हैं, वो विशेषकर ध्यान रखें इस समय पे। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन सामान्यता सामान्य से फल लेके आया है, मिले जुले से सामान्यता कहा जाए, मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिये, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन, बेहद अच्छे संकेत नौकरी पेशा लोगों के लिए, पदोन्नति के लिए। जिन लोगों को नौकरी छूटी हुई है, नौकरी मिल जाएगी, प्रयास को बढ़ा दीजिए। नौकरी से संबंधित कोई तनाव चल रहा तो इस समय पे तनाव आपका जो है कम या खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी, किसी भी प्रकार का वाद विवाद अगर चल रहा था तो सतर्क हो जाइए, चाहे वो जमीन से संबंधित हो या अन्य कोई वाद विवाद हो। ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा इन चीजों के लिए। वैवाहिक जीवन में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। पीछे से अगर तनाव चल रहा था तो ये स्थितियां और बढ़ेंगी। धैर्य से काम लीजिएगा। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा अपनी वाणी में, अपने बोलने के ढंग और अपने व्यवहार पे। पिता के लिए समय अच्छा कहलाएगा। पिता के सुखों में बढ़त उत्पन्न होगी इस समय पे। कहीं ना कहीं पिता का सुख आपको मिलेगा और पिता जो निर्देश दें, कोई काम करना चाह रहे हैं, कहीं आप फंसते हैं, कहीं आप रुकते हैं या किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आता है तो राय ले लीजिएगा पिता से या किसी बुजुर्ग से। पिता नहीं है तो बुजुर्ग से राय ले लीजिएगा। आपके कामों में बढ़त इस समय पे मिलेगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। चोट चपेट के भी संकेत इस समय पे मिलते हैं। सामान्य शब्दों में ये कहा जाए, किसी भी प्रकार का निवेश हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट देख दाख के खेलिएगा। निवेश करने के लिए समय अच्छा है। शुक्र का राशि का परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, संतान के ऊपर धन का व्यय होगा, खर्च होगा। किसी प्रकार से संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य अगर खराब होता तो वो एक अलग चीज हो गया, शिक्षा हो गया वो एक अलग चीज हो गया। हाँ, शिक्षा में भी मैं ये कहूंगा, कहीं एडमिशन कराना है तो अपनी देख दाख के आप, मतलब कि ब्लाइंडली मत चलिएगा, थोड़ा सा आंख कान खोल के चलिएगा। किसी प्रकार का नया काम शुरू करवाना चाह रहे हैं संतान को, तो थोड़ा सा देख दाख के जो है निवेश करिएगा, वो समय इसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के विकल्प आपके बढ़ेंगे। नए कामों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। साझेदार जो भी आपका पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा इस समय पे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, आपकी धर्म पत्नी या आपके धर्म पति जो भी हैं, मतलब आप पुरुष हैं तो महिला, अगर आप महिला देख रही हैं तो पुरुष जो भी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। उनकी बात मानिएगा और कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आपको बोलते हैं या बोलती हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगलों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। प्रेम इत्यादि चीज़ों में इस माह राशि के परिवर्तन में तनाव उत्पन्न होगा। गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के लिए अगर कहा जाए मिले जुले से परिणाम है। धन की आवत सामान्य है अगर कहा जाए, बस अपने पद को देखते हुए चलिएगा और पद की गरिमा बना के चलिएगा। सामान्यता अगर कहा जाए मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम लेके आया है। कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंताएं जिसमें करनी है वो मैंने आपको बताया। बात करते हैं शुक्र का राशि का परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर शुक्र का राशि का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि नाम, नेम, फेम में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा,
राजनीति अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है कोई पद या पद से संबंधित या आपकी जो है नाम इस समय पे बढ़ेगा। व्यवसाय के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन को लेके किसी भी प्रकार का तनाव इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। धन को लेके वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। निवेश करना है, शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस जल्दबाजी मत करिएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा आपका धन को, धन की इनकम के लिए। धन से संबंधित कोई विशेष तनाव इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बीपी, शुगर और वाहन आराम से चलाइएगा। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्याएं वो विशेषकर ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, हार्ट से संबंधित। प्रेमी जुगनों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में क्षणिक तनाव, क्षणिक चीजें बेहतर होंगी। ये महीना, ये कह लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन, ये स्थितियां ऐसी चलती ही रहेंगी। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, शुक्र का राशि का परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए मिले जुले से परिणाम लेके आए, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, अच्छा ज्यादा है। सामान्य शब्दों में कहा जाए अच्छा ज्यादा है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन की क्या स्थितियां। कुछ सावधानी आपको बरतनी है, किसी को धन उधार देने से सावधानी बरती है। वाद विवाद की स्थितियां इस समय पे उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा देख दाग के चलिए। जिसे समाज गलत कहता है उन चीजों में मत पड़िए, उन चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, घर परिवार के कारण आपके कामों में वृद्धि होगी। कामों में वृद्धि तब होगी जब आप बातचीत करेंगे, कहीं आप फंसते हैं तो बातचीत करिएगा। मित्रों का सहयोग इस समय पे मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के संकेत इस समय पे मिलते हैं, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप सरकारी या प्राइवेट, अच्छा समय है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा नौकरी में इजाफा या धन में बढ़त इस समय पे दिखाई दे रही है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए शुक्र आपके लिए अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को इस समय पे आप महसूस करेंगे भावुकता की, बहुत भावुक हो रहे हैं आप चीजों पे, बड़ा उसने फोन नहीं किया या उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये चीजें इस समय पे ज्यादा होंगी और शक की उत्पत्ति इस समय पे ज्यादा होगी। शक देख के चलिएगा, अनावश्यक का शक चीजों में और खराबी कर देगा, नहीं तो चीजें अच्छी हैं। धन को लेके किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान के कार्यक्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी, जो भी आपकी संतान है उसके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा मीन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन सकारात्मक होगा, कहीं ना कहीं धन और स्थितियों में बढ़ाएगा। जिन चीजों में सावधानी रखनी है, जिन चीजों को मैंने बताया उन चीजों में सावधानी रखिए। इस तरीके से शुक्र के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। महामाई की जो है कृपा आप सभी पे बनी रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।